If this video is being made a popular demand because apparently मुझे से लोगों से भी लोगों ने DM करके और comment section में पूछा है कि bro we reply to colleges we need your help. Focus हो रहा है भाई हो रहा है. Oh my god. Welcome back to another video dears. और random fact. पता है last year around this time मैंने अपनी ज़िंदगी से junk food, soft drinks वगैरह की सारी चीज़ें हटा दी थी and I was like on a really serious diet. वो ये कि gym भी बंद हो गया और ये गंदी आदतें फिर से आ गई हैं to the extent के shit गिर गई. Stop it. यार प्लान था अच्छा से सीक्वेंस बनाऊंगा तो फ्लॉप हो गया. ओके तो हमने कैमरा थोड़ा इधर कर दिया बिकॉज एक तो जगह गंदी हो रही है तो यू नो थोड़ा कमरा यूजर सॉरी व्लॉग फ्रेंडली तो लगे एंड लाइक इधर एक छोटा सा कैनवस रख दिया मैंने तो रैंडमली मैंने नहीं बनाया जस्ट इन केस यू वर नहीं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ मैं बट या हम ये 7 अप पीते रहेंगे बिकॉज आई वांट 7 अप टू स्पॉन्सर मी. या सो बिफोर वी मूव ऑन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ मुस्तफ़ा लारी. आई एम अ रैंडम 17 ईयर ओल्ड टीनेजर लिविंग कराची. यूट्यूब पर काफ़ी को इनकन्सिस्टेंट हूँ और लेकिन अब मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू कर दी हैं. पहले तो बिल्कुल ही नहीं आती थी और यू नो आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग लाइक यू नो रैंडम मोमेंट्स विद माई फ्रेंड्स एंड ऑल और I feel like it's good, you know, to make memories this way. But yeah, so basically, O levels was a really sort of a rough roller coaster ride for me the last few years in school. But now, alhamdulillah, we've graduated, and I'm A levels. कर रहा. O levels मेरा grade आया था. Overall, अगर मिला था सबको तो it was an A star, an A, 4 Bs and 2 Cs. अच्छा, but here's a twist. Twist ये है कि O1 में मेरा आया BCC, और O2 में जो grade आया ना, like the rest of it, like the good one, that was through evidence. खुद की मेहनत. Grade is great. लेकिन here's a twist. हुआ ये कि मैंने यूनिवर्सिटीज में जब अप्लाई किया ना सॉरी कॉलेजेस में इट वाज बैक इन सितंबर अक्टूबर 2019 एंड बाय नवंबर आई हैड माय एडमिशंस व्हिच वाज बिफोर मेरा O2 का रिजल्ट आने से पहले सही. और अब ये कैसे क्या हुआ सीन एंड ऑल ये इंट्रो. अच्छा सर लेट्स बी ऑनेस्ट है वेन अप्लाइंग इन कॉलेजेस मुझे एक्चुअली पता था कि मैंने कहाँ जाना है. 3-4 जगहें थी जो कि मैंने शॉर्ट लिस्ट पहले ही कर ली थी बिफोर अप्लाइंग. आई अप्लाइड एवरीवेयर मतलब जहाँ मुझे नजर आता था कि अप्लाई कर सकता था जस्ट अप्लाइड बिकॉज यू नो वेन यू गेट लाइक अ BCC बींग अ ब्राइट स्टूडेंट आप थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हो और आपको पता नहीं होता कि एज इन क्या होने वाला है आगे. प्लस स्कूल में भी काफ़ी ड्राइव होता है कि ओ माई गॉड कॉलेज एप्लीकेशन अच्छा ग्रेड ये वो एंड ऑल तो या इट मैटर्स अ लॉट. और आई अप्लाइड एवरीवेयर लेकिन जाना मैंने 4 जगहों में से किसी एक में था. वो 4 क्या है कराची में लाइसियम सीडर निक्सर और एक फोर्थ पे जो ऑप्शन था वो FPS था बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट एट हेड स्टार्ट और हेड स्टार्ट और FPS की मैनेजमेंट सेम है तो आई फेल लाइक मेरा वहाँ पे एडमिशन होना ज़्यादा आसान है बिकॉज मैं एक तरीके से उन्हीं का स्टूडेंट हूँ. और इट वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक अ बैकअप ऑप्शन बट इट वॉज एन ऑप्शन. आई सो आफ्टर अबाउट 1 week ऑफ अप्लाइंग एंड यू नो अटेंडिंग वेरियस इंटरव्यूज एवरीवेयर पता चला कि एक एक जगह जहाँ पर अप्लाई किया था ना हर जगह एडमिशन मिल गया आपके बॉय को सही एंड नॉट जस्ट एडमिशन लाइक गुड ऑफर्स फॉर रियल. और बस एक जगह लाइसियम वेयर आई डिडंट अप्लाई बिकॉज लाइसियम इज़ नोन टू यू नो पिक स्टूडेंट्स विद लाइक रियली हाई ग्रेड्स और विद अ BCC आई डिडंट फील लाइक यू नो आई शुड अप्लाई हियर राइट नाउ बट आई शुड अप्लाई लेटर सही. एक तो ये था. सेकेंडली आई एम लाइक रियली लेजी पर्सन. लाइसियम का फॉर्म मैंने देखा वो काफ़ी मुझे लंबा सा लग रहा था और इट डिडंट फील यू नो टू अपीलिंग द फॉर्म नॉट द कॉलेज इज़ अमेजिंग आई फील. और ये जितने ऑप्शन मैंने बताए देर ऑल गुड इन लाइक यू नो देर ओन वेज आई फील बट मैं आपको सिर्फ यही जगह तो मैं नहीं बता सकता हूँ विच इज़ सीडर बिकॉज आई चोज सीडर एंड आई टेल यू व्हाई. ओके सो द आइडियल कॉलेज फॉर मी बैक देन वॉज एक ऐसी जगह जहाँ फैकल्टी अच्छी हो जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर्स को काफ़ी मैटर किया जाए जहाँ पे मैनेजमेंट की कोऑपरेशन बहुत हो विच इज समथिंग दैट रियली मैटर्स अलॉट टू मी एंड आई टेल यू व्हाई लेटर ऑन. और इवेंट्स विच डजंट मैटर टू मच नाउ बिकॉज उस टाइम पे कोविड नहीं था अब कोविड है तो वैसे भी इवेंट्स वगैरह नहीं हो रहे. इस साल हुए थे थोड़े से इवेंट्स आई डिडंट यू नो एग्जैक्टली टेक पार्ट इन देम बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर 1 major इवेंट जो कि एक हफ्ते पहले पता चला कैंसिल हो गया बिकॉज कोविड के केसेस फिर से बढ़ने लगे. लाइफ इज बट या सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई चोज सीडर. वाई सीडर. ओके सो नंबर 1 फैकल्टी ऑब्वियसली वो मैंने देखी वो यार फैकल्टी हर जगह अच्छी ऑफर कर रही है सही. और हर जगह के जो है ना प्रीवियस रिजल्ट्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे हैं विच लाइक दीज 4 ऑप्शन दैट आई टोल्ड यू अबाउट इन सब.
एक्स्ट्रा करिकुलर्स यार सीडर में आके मुझे ये हुआ है कि देर इज दिस एनरिचमेंट प्रोग्राम आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स छोटी छोटी चीज़ों के देर इज दिस थिंग कॉल्ड द कोर प्रोग्राम सॉरी कोर प्रोग्राम दिसंबर में होता है इस साल नहीं हुआ यूजुअली होता है उसमें यू कैन लर्न थिंग्स लाइक द गिटार द पियानो सर्वाइवल स्किल्स हाउ टू फ्लाई एन एयरप्लेन एंड लाइक ये होती हैं स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी इन है सीडर की रोइंग टीम्स आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट बट यू नो एवरीबडी गेट्स अ चांस इज यू नो समथिंग दैट मैटर्स और छोटी छोटी चीज़ें हैं AS में मेरे पास एक आइडिया था इवन दो लाइक सोसाइटी हेड्स वगैरह A2 वाले बन सकते हैं AS में आई हैड दिस आइडिया फॉर लाइक दिस न्यू मीडिया कब थिंगी और इट्स कॉल्ड सीरियस स्टूडियोज एंड इट्स अ थिंग नाउ ये मैनेजमेंट की कोऑपरेशन वाला पॉइंट वो यहाँ पे आ गया यू नो जब भी कोई आपको मसला हो ना तो मैनेजमेंट इज रियली कोऑपरेटिव एंड दे अंडरस्टैंड एंड दे यू नो टेक सजेशंस लाइक आई टेल यू बीच में गर्मी बहुत हो रही थी सही और मेरी एक दोस्त है शी वाज लाइक आई थिंक वी शुड ईमेल देम अबाउट फैंस एंड ऑल और you know she emailed and she actually got a really good response or the college they sort of yeah took it all into consideration yeah they're really helpful aur jab you know padhai wagera to obviously jo maine abhi tak apne experience se notice kiya wo ye kiya ki the teachers are really good they're really helpful cedar also you know was willing to give me extra classes and you know things like yeah like workshops and all for main the subjects ko you know polish kar sakun aur jahan jo mera weak spot hai I can you know cover it all up and it's really helpful trust me बिकॉज कंसिडरिंग मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि काफ़ी ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पूरा साल मैंने नहीं पढ़ा इतना ज़्यादा ऑनलाइन बिकॉज यू नो इट्स रियली हार्ड टू फोकस तो मैंने जो पढ़ा है वो जैनीज से पढ़ना शुरू किया जब कॉलेज सही से खुला है बिकॉज वरना तो बंद हो जा रहा था अच्छा तो इस सब के अलावा जो है ना एक और चीज़ है दैट इज़ रियली हेल्प मी आई थिंक हैज़ चेंज मी फॉर द बेटर आई थिंक बिकॉज कंसिडरिंग दिस एनर्जी दैट आई एम पुलिंग ऑफ उनका भी थोड़ा हाथ है इसमें आई डोंट नो व्हाई बट लाइक I wasn't expecting the environment to be like this good or you know these people that I've met the people be it the management or you know these friends I've made alhamdulillah almost puri bad se baat hai sab mujhe jante hain main sabko janta hu even the baat hona like meeting new people every day agar aap mere vlogs dekhe hain to you know most of the people I've met new people in every vlog that we have done a lot of dumb shit together as well aur agar aapko ye baat nahi samajh aa rahi ki what I mean by dumb shit खुद ही देख लें आप That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say She went down in an airplane, flying, getting suntan Fell in a cement mixer, full of quicksand Help me, help me, I'm no good in the night She met a shark in the water, fell in love with water I returned everything I ever bought her Help me, help me, I'm all out of lines And ways to say that Yeah, so basically a lot of my acquaintances from not just Cedar but like other colleges as well ho sakta hai dekh rahe hain ye video ho sakta hai I mean I hope So I want you guys as well to you know comment down below your experiences in your college and how it's going taake ho sakta hai kisi ki help ho jaye but yeah this was it for the video hope you guys enjoyed the video don't forget to like subscribe and turn your notifications on and follow my instagram as well at mustafa dari and yeah see you until next time